हेलो फ्रेंड, मैं उस दिन आपको एक वीडियो दिखाया था जो कि रोशन प्लग्स के बारे में। यह है रोशन प्लग्स और इसको कैसे यूज करते हैं, मैं एक दूसरा वीडियो में दिखाया था, आप देखे हैं। मैं एक हार्ड डिस्क का जो मदरबोर्ड है पीसीबी का, उसमें मैं यूज किया था ऐसा सेम मेरा एक पुराना वीडियो में। तो फ्रेंड, मैं इसमें जो दिखाया था कि कैसे इसको शॉर्ट किया जाता है रोशन फ्लक्स को यूज करके, मैं ये एरिया में आज शॉर्ट करके दिखाऊंगा एक शॉर्ट किलर से। शॉर्ट किलर भी मैं कुछ दूसरा में से टू एम्पियर का एक चार्जर से लिया है। ये 2 एम्पियर का चार्जर है, देखिए लिखा है ना, 2 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना है। 2 एम्पियर से ज़्यादा होने से आपका ये डिवाइस ख़राब हो जाएगा, जो अच्छा रहेगा तो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप 2 एम्पियर का चार्जर ले लीजिए कोई भी, जिसमें ये चार्जर में ऐसा पिन होगा, ऐसा होना है। तो आप इसको सेट करके देख सकते हैं। मैं इसको अभी एक जगह में शॉर्ट होने के बाद कैसे दिखता है दिखाएगा मैं आपको। उस दिन जो दिखा नहीं पाया था मैं, ये कुछ फिल्टर्स वगैरह है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी एक फिल्टर को मैं शॉर्ट करके आज दिखाएगा आपको। तो देख लीजिए कि यहाँ एक फिल्टर से जो कैपेसिटर भी बोलते हैं, यहाँ एक है, ये एक है, बहुत सारा है। तो एक को मैं करके दिखाएगा आपको कैसे होगा, आप देखिए। तो कैसे दिखता है एक्चुअली शॉर्ट होने के बाद कैसे आता है, आप देखते जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ करने से शॉर्ट होता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को लगा के अभी चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अभी हम लोग बनाएंगे इसमें, दिखाता हूँ मैं आपको शॉर्ट होने के बाद एक्चुअली ये जो रोशन प्लग्स लगा के कैसे दिखता है। मैं ऐसे लगा दिया उसमें दो केबल, एक पॉजिटिव अब और एक नेगेटिव। एक को मैं इसके ऊपर रखता हूँ, एक को इसके ऊपर रखता हूँ, दूसरे को ट्राई करता हूँ कोई कैपेसिटर, और ये मैं एक एक करके ट्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, वहाँ थोड़ा ब्लैक हुआ है, ये एरिया में देखिए एक जगह में कैसे शॉर्ट हुआ तो कैसे दिखाई देता है। जैसे कि अभी आप देखें कि इधर एक छोटा सा शॉर्ट हुआ था, तो ये ब्लैक हो गया और पानी पानी आया। सेम टू सेम मैं दूसरा ऐसा करके दिखाता हूँ कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कैसे दिखता है। ये आप ऐसे मत कीजिए, क्योंकि ये आप अगर फ़ोन ख़राब है तो ये तो मेरा फ़ोन नहीं है, मैं दूसरा चीज़ यूज करके कर रहा हूँ। एक मदरबोर्ड जो कि ख़राब हुआ है, तो आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आप ऐसा जो रियली देखिए, ये कितना ये हो गया, पानी हो गया, मतलब ये क्या है, ऐसा दिखेगा आपको। शॉर्ट होने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, ये रोशन प्लग्स लगाने से आपको क्लियरली पता चल जाता है कि देखिए बाकी सब वाइट है, ये दोनों क्या हुआ, पूरा पानी पानी हो गया, मतलब इससे पानी निकल गया पूरा। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि शॉर्ट कहाँ है। लेकिन ये मेरा ख़राब है, ये जो पीसीबी काम नहीं कर रहा है, तो मैं यूज कर रहा हूँ, आप उसको देख के करना है। एक प्रो को जो पॉजिटिव प्रो है उसको ग्राउंड में लगाना है, इसका जो ग्राउंड है ये है, और जो नेगेटिव है इसको कोई भी कैपेसिटर या ये के पास जो फिल्टर है, डायोड है, उसके पास लगा के चेक करना है। तो पता चल जाएगा कि आपका कौन सा प्रो खराब है और कौन सा। मैं ये दिखाना चाहता था कि आपको कि ऐसा कोई एक डायोड या कैपेसिटर खराब होता है तो, नहीं तो फिल्टर खराब होता है तो रोशन प्लग्स कितना आपको हेल्प करता है। ये रोशन प्लग्स का काम है, जो कि आराम से दिखा दिया कि ये खराब है, ये खराब है, दोनों बहुत जल्दी हीट होता है, इसका मतलब ये दोनों खराब है। तो ऐसा आप देख के इसको चेंज करके आप दूसरा लगा सकते हैं उसके ऊपर। तो रोशन प्लग्स का कैसा यूज है मैं आज
उस दिन रोशन ब्लॉक्स को कैसे लगाना है आपका फ़ोन में वो दिखाया था, लेकिन आज का जो वीडियो है मैं दिखाया कि रोशन ब्लॉक्स को शॉर्ट किलर से, शॉर्ट किलर आप घर में भी बना सकते हैं। मैं फिर से आपको शॉर्ट किलर दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये कोई भी चार्जर लीजिए जिसका एम्पेयर 2 एम्पेयर होगा, 5 वोल्ट होगा आउटपुट, 2 एम्पेयर होगा, तो आपका ये काम बन जाएगा शॉर्ट किलर में। मैं इससे ही अभी एडजस्ट किया है, मैं दिखाता हूँ आपको, यही जो शॉर्ट किलर इसको बनाया था। आप ऐसा वाला 2 एम्पेयर का कोई भी चार्जर लेके आप शॉर्ट किलर बना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप मेरा ये वीडियो देखें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अच्छा लगा तो। थैंक यू।